गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 9। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इन प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर एंड द सम स्टार्टिंग एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। टुडे वी डिस्कस सम मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एनसीईआरटी बुक, दैट क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर रिक्वायरिंग स्पेशल मेजोरिटी फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट मीन्स कि उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि जो अभी आपने, मैंने आपको जब समराइज किया था ये चैप्टर की स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है ना, ये सब होती है, तो मेजोरिटी है ना, सिंपल मेजोरिटी, तो सिंपल का मतलब तो वही होता है कि क्लियर हो जाए आपसे, स्पेशल मेजोरिटी, बट अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, तो उसका क्या मतलब है। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर रिक्वायरिंग स्पेशल मेजोरिटी फॉर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड इन अ डिफरेंट मैनर। इट मीन्स कि इसका बहुत होता है, हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। इट मीन्स कि टोटल हाउस में से हाफ जो पास होना चाहिए, जितने प्रेजेंट हैं उनमें हाफ की इसमें होनी चाहिए। हु आर इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट बिल, है ना, मतलब तब हो सकता है जब उसके फेवर में हाफ प्रेजेंट मेंबर्स के हाफ की वोटिंग मिल जाए, ठीक है। टू थर्ड ऑफ दीज सपोर्टर्स हु पार्टिसिपेट इन वोटिंग, और टू थर्ड ऑफ दोज सपोर्टर्स हु पार्टिसिपेट इन वोटिंग। बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास द बिल सेपरेटली ऑल्सो, ठीक है, और फिर दोनों जो हाउसेज हैं उनमें से ये अलग अलग पास होना चाहिए। द अबव मेंशन्ड मेजोरिटीज आर रिक्वायर्ड बिकॉज टू टेक सम अपोजिशन पार्टी इनटू कॉन्फिडेंस ड्यू टू मेजोरिटी, ठीक है। इसका मतलब बेटा ये होता है, इतनी मेजोरिटी इसलिए रखी है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी मनमर्जी से सब कुछ ना करती रहे। इतनी सॉलिड मेजोरिटी चाहिए का मतलब होता है कि अपोजिशन पार्टी भी उसमें इन्वॉल्व हो। इट मींस कि जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो, सभी को लग रहा हो कि अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तब उसमें हम लोग ये करते हैं, ठीक है। ऑन द इशू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सम आर्टिकल्स आर नीडेड टू कंसल्टेट विद स्टेट, अच्छा ठीक है। और हम क्योंकि फेडरल सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया है, तो जब कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनमें हमें जो हमारी स्टेट्स हैं उनकी भी कंसल्टेंसी चाहिए होती है, उनसे भी हमें कंसल्टेंट करना चाहिए। दो वाइड कंसिस ऑफ द लिमिट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड टू मेंटेन पार्शियल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिजिडिटी कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट एंड सिंपल मेजोरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज साइलेंट, ठीक है। मैनी अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन मेड ड्यू टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन अपहेल्ड बाय द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ठीक है। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलग अलग तरीके से इंडिया के अंदर हुए हैं, उन्हें करो। द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 मेड चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू सम फ्लो ऑफ वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इट रेमेडीज अंडर आर्टिकल 9 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वॉज हेल्ड बाय सम कोर्ट्स वेरी कंजर्वेटिवली नॉट टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द इंडिविजुअल। मैनी लॉज made on abolition of zamindari system were declared ultra vile by the court, hence the constitution was amended.
इन द केस ऑफ केशव नंदा भारती पार्लियामेंट पावर टू अमेंडमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन वॉज चेक्ड एंड लिमिट देम बाई इंस्ट्रक्टिंग नॉट टू वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज पार्लियामेंट कैन अमेंड इफ क्लैशेज अराइज बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट. इन 1971 द 24th अमेंडमेंट पार्लियामेंट गॉट द पावर ऑफ अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स. 42 अमेंडमेंट्स वॉज मोस्ट कंट्रोवर्सियल एज अमेंडमेंट वॉज मेड टू बैकग्राउंड ऑफ इंटरनल इमरजेंसी एज वेल एज इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर जुडिशियली रिव्यू. 44th अमेंडमेंट कैंसल्ड मोस्ट द चेंज विच वर इफेक्टेड बाई 39th, 42 अमेंडमेंट चेंज द प्रीएम्बल ऑफ 7th शेड्यूल अदर 52 आर्टिकल्स. Sometimes judiciary interpretation also changes the understanding of constitution. It Supreme Court had hold the reservation in jobs and education institution must not exceed 50% of the total seats. ठीक है. If amending power of with the elect representative judiciary should not have power to decide the validity of amendment. Do you agree? Give your reason in 100 words. No, I don't agree with review because during the period of 1917 and 18, whatever amendment were made, these create a legal and political controversy, only interference the judicially tackled them. During the period of 1971 to 1976, the ruling party attempt to subvert the constitution by 42 Amendment Act, again judicially intervened the protective and the basic structure of constitution. The constitutional legal issue raised a question of supremacy of parliament, but the constitution has given the power to every organ of government, hence judiciary enjoy the power to decide the validity and the amendments. These are some questions. And now we discuss some short type of question answers. What do you mean by political and economic justice? It means political justice. It provides that all citizens should enjoy the equal political rights without any discrimination, as well as they should be free to participate in the government. एंड द इकोनॉमिक जस्टिस, बच्चों ये आप समझते हो पॉलिटिकल जो जस्टिस है वो क्या है, कि हमें सबको सिटीजन जो हैं वो अपने पॉलिटिकल राइट्स को विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन के. इट मींस कि हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलते हैं, जैसे कि मतलब एवरी एडल्ट, चाहे वो किसी भी कास्ट रिलीजन है ना, किसी भी ग्रुप का हो, सोसाइटी का, पुअर एजुकेटेड अनएजुकेटेड कोई भी हो, तो सबको इक्वल राइट है. एवरी एडल्ट हैव सेम पॉलिटिकल राइट, राइट टू वोट सबको है, एंड इलेक्शन में खड़े होने का जो राइट है वो सबको है. तो इट मीन्स इक्वल, ये जस्टिस है. अब इकोनॉमिक जस्टिस, ये भी आप समझ सकते हो कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज है सबको, ठीक है. इट प्रोवाइड मैक्सिमम वेलफेयर टू पीपल टू रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन extremely rich or poor, so everybody could earn livelihood by equal opportunity of employment. सबको अपने लाइफ स्टाइल चेंज करने का राइट है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबको एम्प्लॉयमेंट में
और सबको अर्निंग में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टेक्निकल अमेंडमेंट्स, एक्सप्लेन इट। टेक्निकल अमेंडमेंट्स आर ओनली क्लेरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन एंड मॉडिफिकेशन इन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच मेक अ सब्सटेंशियल चेंज टू द प्रोविजन इट। एग्जांपल्स आर, टेक्निकल अमेंडमेंट क्या होते हैं, वो खाली क्लेरिफिकेशन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है ना, किसी भी अमेंडमेंट का, विच आर मेक द है ना द फिफ्थ अमेंडमेंट टू इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज फ्रॉम 15th जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था ना, उसमें जो रिटायरमेंट की एज थी हाई कोर्ट के जजेस की, अभी वो क्या कर दी गई थी, 60 से 62 कर दी गई है ना। फिर है, द इंक्रीज सैलरी ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बाई 55th अमेंडमेंट, प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन सीट SC ST एंड द लेजिस्लेचर। और क्या हुआ, एक जो उनकी सैलरीज थी वो 55th अमेंडमेंट से बढ़ा दी गई, और रिजर्वेशन सीट्स के अंदर किसका, SC और ST का कर दिया गया। ठीक है, द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 74(1) इज बाइंड द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस काउंसिल मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, हाउ हैज द केशवानंद रूलिंग कंट्रीब्यूटेड टू एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन 1973 केशवानंद रूलिंग कंट्रीब्यूटेड मेंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट लिमिट्स द पावर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर कुड नॉट बी वायलेटेड, इट allowed parliament to amend any and all part of constitution with the limitation only. Next hai, it placed the judiciary as final decision make if any amendment violation basic structure of constitution. So students, these are the some short type of question answers, and on your book NCERT book page number 208 given below carefully and answer the question below. यहाँ से आपको देखना है ये paragraph, a number of amendments are protected, a number of amendment are product different interpretation of constitution given by the judiciary and government of the day, when the clashes the parliament has to insert amendment underline and particular interpretation as the one, it is part of the democratic politics that various institutions would interpret that constitution and particularly scope of their own power in different manner. Way time the parliament did not agree with the judicial interpretation and therefore shout the amendment constitution to overcome of ruling judiciary in the period between the 1970 to 1975, the situation arose frequently. What are the amendments? Amendments क्या होते हैं, अब इस क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको बताना है. The amendments are predicts the different interpretation and the constitution given the judiciary and the government of the day. ये आपका इसमें से बनेगा, यहाँ से द अमेंडमेंट्स आर है ना डिफरेंट, तो ये आपका ये लाइन हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक. फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन इफ
द क्लैश अराइज बिटवीन द ज्यूडिशरी एंड द गवर्नमेंट ऑन अमेंडमेंट इन इन केस ऑफ क्लैश, है ना, इन केस ऑफ क्लैश पार्लियामेंट हैड इंसर्ट द अमेंडमेंट अंडर लाइनिंग द पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन एंड द ऑथोरिक वन. यहाँ से आ जाएगा इन केस, है ना, यहाँ से इन क्लैश ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ से पूरा आ जाएगा ये आपका. फिर आ जाएगा डिड द सिचुएशन अराइज पर्टिकुलर एंड व्हेन. यस, दिस सिचुएशन अरोज इन द पीरियड ऑफ 1917 to 1980, ये है ना, 1970 to 1980. नाउ द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. The Constitution of India is a living document. Explain. The Constitution of India is a living document. It can be in following way. We can explain in the following way. It has continuously been responding in various circumstances from time to time. Our Constitution came into force in 26 January 1950. Since the government supposed to work with the framework, the constitution maker made the best efforts to accommodate the various changes as per need to expression of society. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने पूरी अपने अच्छे अपने सबसे ज़्यादा पूरी जान लगा दी, क्या कि वो जो हमारी सोसाइटी की एस्पिरेशंस को पूरा कर सकें. इट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन एंड द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द चेंजिंग सिचुएशन. उसमें ओपन, इट इज़ अ ओपन इंटरप्रिटेशन, उसमें जो उसको एक्सप्लेनेशन करने की, उसकी इंटरप्रेट करने की जो उसके अंदर ओपननेस रखी गई है वो क्या है, उसके अंदर एक एबिलिटी आ गई है चेंजिंग सिचुएशन में अपने आप को रिस्पॉन्ड करने की. इट प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप. वो रूल्स को प्रोटेक्ट करता है किसके, डेमोक्रेटिक सेटअप को बनाए रखने के लिए. ठीक है बच्चों, अगर भाई रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी तभी सर्वाइव हो सकती है जब वहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो. रूल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, रूल्स. तो जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन ढंग से नहीं बनाए गए, पाकिस्तान का आप एग्जांपल ले सकते हो, हमारे साथ ही वो आज़ाद हुआ तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया. क्यों? क्योंकि वहाँ पर कानूनी ढंग से नहीं बनाए गए थे. लीक पोल जहाँ निकलती है, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए कि वो सोसाइटी को एक सपनों का संसार जो था, हमने आज़ादी के टाइम सपने देखे थे, वो पूरे हो सकें और जो है लोगों को अच्छी रहने के लिए कंडीशंस मिल सकें, एज वेल एज जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको हम लोग क्या कर सकें, हम लोग जो हैं उसको सर्वाइव करने में हेल्प मिल सके. थ्रू मैनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस टिल द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क इन अ इफेक्टिव मैनर. हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस किए तब से अब तक, कितने सारे अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए, बट वो फिर भी जो है सही मैनर में काम कर पा रहा है. क्यों बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी जितनी होती है ना, कहते नहीं है कि वो उतनी चीज़ ज़्यादा चलती है, अगर ज़्यादा हार्ड होती है तो उसके ब्रो का वो जल्दी टूटती भी है ना. तो फ्लेक्सिबिलिटी जितनी होगी उतना ज़्यादा होगा. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने ये जो प्रोसीजर रखा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर सकें, तो उसका फ़ायदा हमें ही मिला है. क्या फ़ायदा है उसका,
कि हम लोग जो है अपने आप को चेंज, मतलब हमारी कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब है बेटा नेक्स्ट, मेंशन द डिफरेंट मेथड ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखो इसमें तीन तरह से होती है बेटा, एक तो होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है टू थर्ड मेजोरिटी। ये जो मैंने पहले दिन आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसके अंदर ये सब बताया था, अब इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर आप देखोगे। नेक्स्ट होती है बेटा बाय टू थर्ड मेजोरिटी इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो बेटा आप सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल मेजोरिटी। अमेंडमेंट कैन टेक प्लेस बाय द रिसोल्यूशन पास बाय अ सिंपल मेजोरिटी इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एक तो सिंपल मेजोरिटी, नाम से ही आप पता चल गया कि सिंपल मेजोरिटी में पास हो जाए वो दोनों हाउसेज में, उसे कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। इट क्रिएट द मोस्ट फ्लेक्सिबल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे लचीला जो है फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इट कैन अमेंडेड पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन अ बोथ द हाउस। ये जो है पास हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से, जितने भी प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनकी सिंपल मेजोरिटी से जब वो क्लियर हो जाए। इट एक्सप्लेन द चेंजिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, फिक्सिंग द नंबर ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारे न्यू स्टेट्स जो क्रिएट होती हैं, है ना, जैसे भी अभी आपने देखा कि तेलंगाना हो गई, जम्मू कश्मीर चेंज हुआ, तो इसमें और क्या कहते हैं बेटा, सुप्रीम कोर्ट के जज कितने होने चाहिए, हाई कोर्ट के जज कितने होने चाहिए, तो ये हमारा सिंपल मेजोरिटी में हो जाता है सब कुछ। फिर आ जाओ आपका बाई टू थर्ड मेजोरिटी इन द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, रिसोल्यूशन शुड बी पास्ड बाई टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट वोटिंग। ठीक है, टू थर्ड मेजोरिटी ये बहुत हैंडसम मेजोरिटी होती है, मतलब जितने भी प्रेजेंट मेंबर हैं उसमें से टू थर्ड मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए। अमेंडमेंट रेजोल्यूशन कैन मूव एनी हाउस एंड इफ पास बाई मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप और टू थर्ड, दोनों हाउसेज में ये पास होना चाहिए, कितने से, टू थर्ड मेंबर से, सेंड टू अदर हाउस। जब ये एक हाउस से पास हो जाता है फिर इसे हम दूसरे हाउस में भेज देते हैं। इफ़ द सेम प्रोसीजर टेक प्लेस इन द अदर हाउस द बिल इज़ पास। और ऐसे ही सेम प्रोसीजर, इट मीन टू थर्ड मेजोरिटी से दूसरे हाउस में भी पास हो गया, तो क्या होता है कि इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि हमारा लॉ जो है वो बन गया। मैनी टाइम राज्यसभा हैज़ रिजेक्टेड द अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय लोकसभा, एग्जाम्पल बिल ऑफ पंचायत एंड द नगर पालिका। कई बार क्या होता है कि जो बिल हमारे लोकसभा से पास हो जाते हैं उन्हें राज्यसभा रिजेक्ट कर देती है, जैसे कि एक बिल का एग्जाम्पल दे रहे हैं पंचायत एंड द नगर पालिका। तो ये दो हो गए। नंबर थर्ड है बाई टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड अप्रूवल ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये हो जाती है सबसे बढ़िया, जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना होता है ये तब के लिए चाहिए होती है। तब क्या होता है कि इसमें टू थर्ड मेजोरिटी तो दोनों हाउसेज में होनी चाहिए, एज वेल एज जितनी हमारी स्टेट्स हैं उनमें से एटलीस्ट हाफ के लेजिस्लेचर, मतलब विधानसभा, स्टेट की जो पार्लियामेंट है, स्टेट की जो हाउस है, उसमें से इसको पास होना जरूरी होता है। अमेंडमेंट शुड बी पास बाय द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर स्ट्रेंथ ऑफ टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ठीक है, पहला तो ये है कि दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं और जितनों ने वोटिंग करी है उसमें से टू थर्ड मेजोरिटी इसको मिलनी चाहिए, इतना, इसका मतलब तीन में से दो वोट मिलनी चाहिए। द रिसोल्यूशन शुड बी रेटिफाइड बाई द लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर।
और उसको वोट मिलना चाहिए किसके लिए, जो हमारे स्टेट हैं उनमें से एटलीस्ट हाफ स्टेट की स्टेट असेंबली से भी वो क्लियर होना चाहिए, तब जाकर वो क्या होता है कि वो बिल जो है वो क्लियर होता है और तब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको मतलब अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये है आपका जो चैप्टर था। इसमें बच्चों इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन इवनिंग 4 to 5 एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट अगेन अवर फर्स्ट बुक। इट मीन्स फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस एंड आई ऑल्सो सेंड यू द नोट्स ऑफ ऑल द चैप्टर 1 by 1। सो प्लीज़ मेंटेन योर कॉपी एंड स्टार्ट योर स्टडी वेरी सीरियसली। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।